हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग स्लीव की कटिंग। बहुत ही अच्छे से बताऊंगी, जो बिगनर्स होंगे ना उनको भी समझ में आ जाएगा। और साथ में आपका जो क्वेश्चन होता है ना कि मैम स्लीव को लंबाई में बनाएं या चौड़ाई में बनाएं, वो भी मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स जो आपकी लॉन्ग स्लीव होता है ना, हाफ मीटर में आराम से बन जाता है। तो ये देखिए, ये जो है फैब्रिक मेरा हाफ मीटर ही है। और ये देखिए, एक किनारी इसकी यहाँ पे है, एक किनारी इसकी यहाँ पे है। तो ये पूरी ना चौड़ाई होती है। तो फ्रेंड्स इस किनारी से लेकर और ये जो इसकी दूसरी किनारी है ना, ये हमारा बीच में ये जो होता है ये चौड़ाई कहलाती है। तो कमेंट आते हैं कि मैडम चौड़ाई में बना सकते हैं, तो अगर चौड़ाई में आपको बनानी है ना, हाँ चौड़ाई में भी बना सकते हो आप। तो इस तरीके से बनाए, ये देखिए ऐसे किया और फिर फोर फोल्ड करना है हमने, तो ऐसे किया। तो जब आप ऐसे बनाओगे ना लॉन्ग स्लीव, तो ये चौड़ाई में होगी, पर हमारी जो लंबाई होती है ना वो ये होती है, हमारी लंबाई होती है ये। अगर आपको लंबाई में बनानी है तो इस तरीके से फोल्ड करना पड़ेगा पहले ये एक बार। चौड़ाई में हमने कैसे फोल्ड करा था, ऐसे फोल्ड किया था। लंबाई में बनानी है तो कैसे फोल्ड करना है, एक फोल्ड हमारा हो गया है और इस तरीके से फोल्ड करना है, तो ये हो जाएगी हमारी लंबाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर फोल्ड करके ना आपकी चौड़ाई ये 10 से 11 इंच होनी चाहिए हैवी साइज में। वैसे तो 8 या 9 भी होती है, अगर आपका साइज कम है चेस्ट का तो उसके हिसाब से भी होता है। हैवी साइज में मतलब ये चीज़ तो आपको 11 इंच तो चाहिए ही चाहिए, मतलब फोल्ड करके 11 इंच या 10 इंच चाहिए। तो ये हमारा 10.5 आ रहा है, तिरछे में करेंगे तो और ज़्यादा आ जाएगा, 11.5 आ रहा है। तो इस तरीके से फोर फोल्ड कर लिया मैंने, अच्छे से कर लेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी स्लीव को फोल्ड करें तो सीधा वाला जो हिस्सा है ना वो अंदर होना चाहिए और उल्टा वाला बाहर होना चाहिए। तो लॉन्ग स्लीव बनाना है तो 19 इंच तक हम बना रहे हैं अपना। अगर आपको ज़्यादा फुल लेंथ बनानी है ना यहाँ तक, तो आपको ये इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है, मतलब ये हाफ मीटर है, थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी, दो तीन इंच ज़्यादा, या फिर आप कोई डिज़ाइन लगा के भी इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सीधा निशान लगा लूँगी मैं, यहाँ से हमारा पूरा फोल्ड है, यहाँ से एक फोल्ड है और दो खुली हुई हैं। अब यहाँ से लेंथ ले लेंगे, 21 इंच का इसका लेंथ आ रहा है। तो हमने 19 इंच जैसे बनानी है, तो 1.5 इंच हम नीचे फोल्डिंग का रखेंगे और 1/2 इंच ऊपर जो सिलाई में दबेगा। यहाँ पे भी सीधा ही का निशान लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो स्केल का मैं यूज़ कर रही हूँ ना, इससे ना आपके बिल्कुल सीधे निशान लगाते हैं। अगर हम इसके बगैर कभी स्ट्रेट वाले स्केल से निशान लगाते हैं ना, तो हमें लगता है ऐसा कि वो सीधा है, पर आप जब इससे नापोगे ना तो सीधा नहीं होता है। क्योंकि ये देखिए, यहाँ से भी है, ये यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस तरीके से जब आप निशान लगाते हो ना तो बिल्कुल सीधा लग जाता है इसे। तो फ्रेंड्स ये वाला स्केल अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ना, तो अगर आपके आसपास मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके आसपास नहीं मिलता, ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है माई टूल्स करके, आप वहाँ से क्लिक करके वहाँ पर देख के और आप मंगवा सकते हैं। तो पहले हम ये कट कर लेते हैं। तो अब यहाँ से ना इस वाली लाइन से 3.5 इंच नीचे आपको एक और निशान लगाना है, और ये बहुत ही ज़रूरी रहता है निशान लगाना। और आप हर साइज में इतना ही निशान लगा सकते हैं, 3.5 या फिर 3 इंच ये लगता ही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कैसे हिसाब लेना है। जैसे कि आपका चेस्ट है 38, मतलब 38 इंच है, उसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं जब हम नाप लगाते हैं ना कुर्ती का, 2 इंच अपनी तरफ से ऐड करते हैं, तो हो गया 40 इंच। अब 40 का चौथा कितना होता है, 10 इंच। यहाँ पे कैसे निशान लगाना है, उस 10 इंच में से 1 इंच कम करके, मतलब 9 इंच की गोलाई लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम नापेंगे 9 इंच पर, ऐसे नापना है आपको, ये 9 इंच पे आ गया, 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। यहाँ पे जो हमारी स्लीव की गोलाई है वो है 5 इंच,
एक निशान हम 5 इंच पे लगाएंगे और 1.5 इंच मार्जिन का लगा लेंगे। इस तरीके से मिला लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा ले लेना इस तरीके से, ताकि जब हम फोल्ड करें तो इसके बराबर आ जाए, इसलिए मैंने तिरछा लिया है। तो फ्रेंड्स ये बता दिए मैंने, अब यहाँ पे हम गोलाई देंगे। यहाँ से तकरीबन आपको ना 2.5 इंच सीधा ही लेना होता है, और अब यहाँ पे इस तरीके से शेप लगाएंगे इस वाले निशान से। यहाँ से तो ऐसे ही रहेगा, सीधा ही रहेगा, सिर्फ यहाँ से इस तरीके से शेप लगानी है आपको, यहाँ से इस तरीके से। तो ये हमारा बैक को, ये हमारा बैक का हो गया। फ्रंट का थोड़ा सा और गहरा लगाना है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट का निशान। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट का निशान हो गया। चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी कैंची इस वाले निशान पे चलाएंगे जो हमारा बैक का है। यहाँ पे कट लगा लेना है सेंटर में। तो फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब ये वाला फ्रंट का निशान है, इसकी कटिंग करने से पहले ना हम ये दो पल्ले पकड़ेंगे। ये दो पीस पकड़ लिए हमने और इसको इस तरीके से हमने खोल लिया। इस तरीके से खोलने के बाद आपको एक बार फिर से चेक करना है कि ये जो दो पल्ले हैं ना अंदर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये भी और ये भी। उसके बाद आप ये कट करें। ये कटिंग करने के बाद ना एक छोटा सा कट यहाँ पे भी लगा लें आप फ्रंट में, ताकि जब भी आप कुर्ती में स्लीव को जोड़ें तो बिल्कुल परफेक्ट जुड़े। कभी कई बार होता है ना, जो बिगनर्स होते हैं ना, ये वाला जो फ्रंट का है ना वो बैक पे, बैक के साइड पे वो कर देते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लिया। तो फ्रेंड्स ये थी कटिंग, मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की कि डिटेल में बताऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।